हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में एमबीए एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं 2020-21 सेशन के लिए। जी हाँ दोस्तों, टोटल तीन ब्रांचेस यहाँ पर हैं, या फिर आप कह सकते हैं तीन डिसिप्लिन हैं जिसमें आप एमबीए कर सकते हैं। एमबीए एग्जीक्यूटिव, एमबीए एग्जीक्यूटिव हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट, और आपका एमबीए फुल टाइम कोर्स है। ठीक है, एमबीए फुल टाइम में कैट के थ्रू इसमें एडमिशन होंगे, और बाकी जो दो अदर कोर्सेज हैं उसमें कैट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये जो तीनों कोर्सेज हैं इनकी एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है, कितनी सीट्स हैं इन प्रोग्राम में, और सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहेगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करना है। ठीक है, यहाँ से आपको एडमिशन 2020 का लिंक मिलेगा, इस लिंक पर आप जाएंगे। इस लिंक पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिखेगा रजिस्ट्रेशन टू वेरियस प्रोग्राम फॉर एकेडमिक सेशन 2020-21 इज़ ओपन नाउ। आप करेंगे क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों एक तो आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है वाली विंडो आपको खुल जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो फिलहाल हम बात करेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो आपकी जो उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं उसके बारे में। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना होगा, फ़ीस वगैरह ऑनलाइन ही पे करनी होगी। तो पहले हम बात कर लेते हैं एमबीए फुल टाइम और जो पीएचडी प्रोग्राम वाले प्रोस्पेक्टस है उसके बारे में। तो टोटल 46 पेजेस का ये प्रोस्पेक्टस है दोस्तों, लेकिन हम कुछ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं इस प्रोस्पेक्टस के उसी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि आपको हमने बताया कि टोटल यहाँ पे तीन कोर्सेज हैं, और जो चौथा कोर्सेज है वो डॉक्टरल है, यानी पीएचडी प्रोग्राम है। तो ये जो तीन कोर्सेज हैं इसमें आपका एमबीए फुल टाइम है, एमबीए एग्जीक्यूटिव है, और एमबीए एग्जीक्यूटिव हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम। ये जो प्रोस्पेक्टस है ये आपके ऊपर के जो दो कोर्सेज हैं एमबीए फुल टाइम और डॉक्टरल प्रोग्राम उनके लिए है। ठीक है, बाकी जो नीचे के दो कोर्सेज हैं उनकी प्रोस्पेक्टस अलग है, उसके बारे में भी अभी हम डिस्कशन करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें दोस्तों तो वो आप 10 अक्टूबर से 25 नवंबर तक फिल कर सकते हैं। फ़ीस है 1000 रुपीज़ जनरल एंड ओबीसी के लिए, बाकी अदर रिजर्व कैटेगरी के लिए 350 रुपीज़ इसकी फ़ीस है। यहाँ पर जो इंटरव्यू होगा वो होगा आपका कैट एग्ज़ाम के बेसिस पर। अब दोस्तों कैट एग्ज़ाम में भी अलग अलग सेक्शन होते हैं, जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वगैरह, तो उनकी भी यहाँ पर अलग अलग वेटेज रखी गई है। ठीक है, तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं, 30%, 30% एंड 40%। और यहाँ पर एक चीज़ और है, जो वुमेन कैंडिडेट हैं उनको 3 मार्क्स एडिशनल दिए जाएंगे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। और जो आपकी एडमिशन मेरिट लिस्ट होती है वो आपके कैट एग्ज़ाम के बेसिस पर तैयार की जाएगी, 10th और 12th के मार्क्स के बेसिस पर, और इसके अलावा जो इंटरव्यू वगैरह होते हैं उसके बेसिस पर। कैट एग्ज़ाम की बेस जो है वो 60% वेटेज है, 10th और 12th की 5% है, ग्रुप डिस्कशन की 10% वेटेज है, और इसके अलावा एक्सटेम्पोर की 5% और पर्सनल इंटरव्यू की 15% इसमें वेटेज रखी गई है। और दोस्तों कैट एग्ज़ाम के बेसिस पर ही इसमें एडमिशन होंगे, जिसने कैट के लिए अप्लाई नहीं करा था वो इसमें अपीयर नहीं हो सकता, वो इसमें इस साल एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स कंपलसरी हैं, और जो रिजर्व कैटेगरी हैं एस सी एस टी वगैरह उनके लिए यहाँ पर 45% की जो रिक्वायरमेंट है वो रखी गई है। ठीक है, इसके अलावा जो फाइनल ईयर में हैं स्टूडेंट्स वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जब उनका इंटरव्यू वगैरह होगा तो उनको सारे अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, मार्कशीट वगैरह, वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे। यहाँ पे हम सीट्स की बात कर लेते हैं। टोटल 251 सीट्स रखी गई हैं, अनरिजर्व के लिए 101 सीट हैं, और शेड्यूल कास्ट के लिए 37, शेड्यूल ट्राइब के लिए 19, ओबीसी के लिए 69 और ईडब्ल्यूएस के लिए 25 सीटें हैं। सुपर न्यूमेरी सीट्स हैं पीडब्ल्यूडी के लिए 12, सीडब्ल्यू के लिए भी 12 और एफएस के लिए 12 सीट्स रखी गई हैं। दोस्तों यहाँ पर हॉस्टल अकोमोडेशन भी होता है, मेन के लिए अलग हॉस्टल होते हैं, वुमेन के लिए अलग। इन हॉस्टल का जो नाम यहाँ पर मेंशन है यहाँ पर आपको अलग से अप्लाई करना पड़ता है अगर आप हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पर अवेल करना चाहते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे जो एमबीए के दो अदर कोर्सेज हैं एग्जीक्यूटिव वाले और हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन वाले उसके बारे में। उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको जो आपने फुल टाइम का जो प्रोस्पेक्टस डाउनलोड किया था उसी के नीचे एमबीए एग्जीक्यूटिव का भी प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। दोस्तों ये भी 36 पेजेस का प्रोस्पेक्टस है, लेकिन हम इसमें भी जो सिलेक्शन प्रोसेस है और एलिजिबिलिटी वगैरह है उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे।
यहाँ पर फैकल्टीज़ वगैरह के नाम लिखे हुए हैं, तो इनको भी अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, जो हेड ऑफ़ फैकल्टी होते हैं उनके यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। दोस्तों जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस है वो सेम रहेगी, कैट की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। और जो डेट्स मैंने आपको बताई थी 10 अक्टूबर से 25 नवंबर, वो भी इसमें सेम रहेंगी। सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। एकेडमिक ग्रेजुएशन जो होगी आपकी उसके 20 मार्क्स है मैक्सिमम। और जो आपका एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस जो होगा, यानी अगर आपका किसी फॉर्म में एक्सपीरियंस है तो उसके भी मैक्सिमम 20 मार्क्स जोड़े जाएंगे। जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा उसके 30 मार्क्स होंगे, एक्सटेम्पोर के 15 मार्क्स और पर्सनल इंटरव्यू के 15 मार्क्स आपके होंगे। जो आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा वो होगा आपका मैनेजमेंट एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस में, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर जो 20 मार्क्स हैं एकेडमिक ग्रेजुएशन के, वो अगर आपके मार्क्स 40% से ज़्यादा हैं, तो जैसे सपोज़ 40% से 5% मार्क्स आपके अगर ज़्यादा हैं तो 2 मार्क्स आपको दिए जाएंगे और मैक्सिमम इसमें 20 मार्क्स रहेंगे। इसी तरीके से एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो हर एक साल का अगर आपके पास कंप्लीट एक्सपीरियंस है तो 2 मार्क्स आपको दिया जाएगा और उसमें भी मैक्सिमम 20 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। बात अगर करें एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की, जो MBA एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है उसमें आपका प्लस टू के बाद ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में 45% मार्क्स के साथ, और इसके अलावा कम से कम 5 साल तक का एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है। तो जो मैंने ऊपर आपको यहाँ पर बताया था कि जो 20 मार्क्स आपके मिलेंगे, अगर 5 साल के बाद आपका जितने भी ईयर बढ़ते रहेंगे तो हर ईयर में आपको 2 मार्क्स मिलेंगे इसमें, ठीक है। और जो आपका MBA हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन वाला प्रोग्राम है उसमें भी आपके 45% मार्क्स चाहिए, ठीक है। अब जो डिग्री रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आप देख सकते हैं, MBBS हो गया, BDS हो गया, BAMS, BUMS, BHMS, ठीक है। या फिर ये डिग्री नहीं है तो मास्टर डिग्री हो आपके पास 55% मार्क्स के साथ। अब वो मास्टर डिग्री आपके पास बायोटेक्नोलॉजी में हो या फिर जीनोमिक्स में हो, जेनेटिक्स में हो, नर्सिंग में हो, बायो इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे काफ़ी सारे डिसिप्लिन लिखे हुए हैं, इसको आप चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा कम से कम 5 साल तक का एक्सपीरियंस हेल्थ केयर सेक्टर में, फिर चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, वो होना कंपलसरी है। नंबर ऑफ़ सीट्स की बात कर लेते हैं, तो MBA एग्जीक्यूटिव में 200 सीट्स हैं, अनरिजर्व में 80 हैं, SC के 30, ST के 15, OBC के 55 और EWS के 20, बाकी PWD के 10 और CW के 10। और जो आपका हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन वाला कोर्स है उसमें 50 सीट्स हैं, जिसमें जनरल में 20, SC में 7, ST में 4, OBC में 14 और EWS में 5, PWD में 2 और CW में 2। इसका जो जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा वो होगा दोस्तों 9 फरवरी 2020 को, ठीक है। यहाँ पर ईमेल आईडी गिवन है, कुछ फ़ोन नंबर गिवन है, इनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपकी कोई फर्दर क्वारीज रहती हैं तो। इसके अलावा दोस्तों प्रोस्पेक्टस में काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं जो कि इनिशिएटिव्स FMS द्वारा लिए जाते हैं। यहाँ पे आपको लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी, हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी मिलेगी, तो ये सब चीज़ें भी आप प्रोस्पेक्टस में चेक कर सकते हैं अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं MBA के लिए। तो दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट आज की इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई क्वारीज है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। बाकी अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।